किसी का भला होता है तो हमें खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान कृष्ण की द्वारका में ब्राह्मण भोजन नित्य होता है, उत्सव मनाए जाते हैं। कृष्ण अद्भुत देव हैं, इनका पुजारी बन जाना इनकी ही कृपा है। कल मैंने निवेदन किया है, जो गंगा का नित्य दर्शन आचमन करते हैं उससे नारायण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गंगा को आप साधारण जल मत समझिए, वैज्ञानिक लोगों ने भी पास कर दिया है, 100 साल तक गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ सकते, 100 साल तक गंगा के जल में बदबू नहीं आ सकती, गंगा के जल से कभी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। गंगा का इतना बड़ा प्रभाव है। गंगा गंगे त्यो ब्रूयातम, हजारों किलोमीटर दूर से भी आप गंगा नाम का उच्चारण कर लेते हैं तो गंगा ताप प्रताप संताप सब दूर कर देती है। ग्रंथों में लिखा है कि अस्थियां जब तक गंगा में रहेंगी सूक्ष्म रूप से जीव भगवान के चरणों में वास करेगा। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गंगा के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। जिसके घर में श्रद्धा का आदर होगा, वैषम पायन कहते हैं, उसके परिवार की वंश वृद्धि बढ़ती रहेगी, वंश रुकेगा नहीं। आप सब बैठे ही बैठे अपने मन में सोचिए कि आपके घर में गंगा जल है, नहीं है तो घर में गंगा जल की व्यवस्था कीजिए। कभी गंगा जल होता है छठे चौमासे ढक्कन खुलता है केटली का, कभी कोई सत्यनारायण भगवान की कथा हो पंडित जी मांग ले आके थोड़ा गंगा जल चाहिए, फिर ढूंढेंगे उसको भुखारी में मिलेगी केटली। भुखारी जानते हैं, छत पर जब चढ़ते हैं तो उसके नीचे एक छोटी कोठरी रह जाती है, कहीं उसको भंडरिया बोलते हैं, कहीं किसी गोदाम में कूड़े कबाड़े में मिलेगी वो केटली गंगा जल की, ऐसा बताते हैं। गंगा के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए, इससे भगवान गोविंद प्रसन्न होते हैं। महात्मा वैषम पायन बता रहे हैं, आप जितने भी यहां बैठे हुए हैं एक का भी किसी का घर ऐसा ना हो जिसके घर में तुलसी, सैकड़ों तुलसी रखिए घर में। पार्वती मैया तो 100 तुलसी से पूजा एक संग करती है, खूब तुलसी रखिए। घर पर नहीं है तो लेके जाइए, कल मैं उधर ही होऊंगा, जिनको जरूरत हो लेके जाना तुलसी। गौशाला में बहुत तुलसी, वृंदावन की तुलसी, लेकिन तभी लेके जाना, अभी से उखाड़ के आप ले लेंगे तो जब तक जाओगे तब तक सूख जाएगी, अभी वो खेत में लगी है, और जब आप जाओगे तब दे देंगे। अभी से तुम थैला वेला में रखोगे मुरझा जाएगी, जब जाओ तब लेते जाइएगा। वृंदावन की तुलसी आपके घर तक पहुंचे, जहां तुलसी है वहां भक्ति विभीषण की तरह बढ़ती है। लंका कैसी भी है, रावण के उस अन्याय अत्याचार के बीच में भी यदि एक भक्त तुलसी की पूजा कर लेता है तो हनुमान उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वृण जाए, नव तुलसी के वृंदत है। तो वैषम पायन महात्मा कहते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी, गंगा, एकादशी और गैया, ये बताइए। कृष्ण की महिमा का महात्म्य का वर्णन किया गया।